हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th की सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ, और उसकी अभ्यास है 15A। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अभ्यास 15A का फुल सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगी। तो देखो, अभ्यास 15A में प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में कितनी है? 25, 57, 32, 23, 42, 30, 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम इस प्रश्न को। सबसे पहले हमें प्रश्न में आंकड़े क्या दे रखे हैं उनको देखेंगे। तो देखो, प्रश्न में आंकड़े दे रखे हैं हमें 25, 57, 32 और ये 23 और 42 और 30 और ये 47, ठीक है। ये हमें आंकड़े प्रश्न में दे रखे हैं। सबसे पहले हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। किस में? आरोही क्रम में। तो देखो, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। किस में? आरोही क्रम में लिखने पर। तो देखो, आरोही क्रम में लिखेंगे, किस तरीके से लिखे जाएंगे? 23, उसके बाद 25 है, उसके बाद है हमारे पास 30, उसके बाद है 32 और फिर है 42, उसके बाद 47 और उसके बाद है 57, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे आरोही क्रम में लिख जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 7। एन की वैल्यू क्या है? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अंक कितने हैं? 7। तो हमारी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? माध्यिका। देखो, माध्यिका किस तरीके से निकालेंगे? माध्यिका एन प्लस 1/2 वे पद का मान, वे पद का मान, ठीक है। एन क्या है हमारे पास? 7, तो प्लस 1/2 वे पद का मान, ठीक है। आगे देखो, 7 और 1 कितने हुए? 8/2, 2 वे पद का मान, ठीक है। इसके बाद देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम काट देंगे 2 से 4 बार, 4 वे पद का मान, ठीक है। 4 वे पद का मान, 4 वे पद का मान क्या है हमारे पास यहाँ पे? देखो इस प्रश्न में 4 वे पद का मान क्या है? क्या है? 32, ठीक है। 32 है, तो यही हमारी क्या है? माध्यिका। 4 वे पद का मान क्या है? 32, यही हमारी क्या है? माध्यिका, ठीक है। यही हमारी माध्यिका है, यही माध्यिका है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 2, उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 2, किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रम से 140, 142, 135, 133, 137 और 150, 148 तथा 138 है, ठीक है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को भी पहले प्रश्न की तरह ही सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? देखो, तो देखो किस तरीके से हल करेंगे हम इस प्रश्न को। सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर इस तरीके से हम आरोही क्रम में लिख देंगे। फिर देखो यहाँ पर एन की वैल्यू हमारी क्या आई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एन की वैल्यू क्या आई है? 8। एन की वैल्यू यदि विषम आती है, ठीक है, पहले प्रश्न में एन की वैल्यू विषम आई थी तो उसमें फॉर्मूला अलग लगा था। सम के लिए फॉर्मूला अलग है और विषम के लिए फॉर्मूला अलग है, तो ये क्या है? सम। सम के लिए फॉर्मूला क्या है? देखो, सम के लिए फॉर्मूला ये है माध्यिका का, एन अपॉन 2 वे पद का मान प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1 वे पद का मान अपॉन में 2। तो देखो एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 8। एन की वैल्यू क्या है? 8। 8 एन की जगह 8 लगाएंगे, 8/2 वे पद का मान प्लस 8/2 प्लस 1 वे पद का मान अपॉन में 2। तो देखो ये कितना आ जाएगा? 4 वे पद का मान, ये कट जाएगा, तो 4 वे पद का मान प्लस 4, यहाँ पे 4 बार और 4 और 1 5, ये हो गया 5 वे पद का मान, ठीक है, पद का मान, उसके बाद अपॉन में 2, अपॉन में 2 है। तो देखो चारवा पद क्या है यहाँ पे? चारवा पद यहाँ पे है क्या? चारवा पद है 138 और पांचवा पद है 140, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे 138 और 140, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे चारवा पद 138 प्लस 140 और अपॉन में 2, ये दोनों को ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे? 278, 278/2, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? कितनी बार कटेगा? 139 बार। तो
तो आंसर आ गया हमारे पास 139। ठीक है, यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर दो भी सॉल्व हो चुका है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न नंबर तीन है। देखो, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये हमें पद दे रखे हैं और ये बारंबारता पद है, 3, 4, 6, 8, 12, बारंबारता 2, 5, 4, 5, 3। तो इसमें हमें माध्यिका किस तरीके से ज्ञात करेंगे, देखो। तो देखो, तीसरे प्रश्न में हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम पद लिखेंगे इधर और इधर लिखेंगे बारंबारता। अब हमें निकालना है संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी माध्यिका हमें निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो, संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालेंगे, जो ये बारंबारता वाले पद हैं इनको हम, देखो ये दो है तो दो लिखेंगे, उसके बाद दूसरे पद में क्या लिखेंगे, दो और पाँच को ऐड कर देंगे, कितना हुआ 7। अब 2, 5 और 4 को ऐड कर देंगे, कितना होगा 11। उसके बाद यहाँ तक संख्या ऐड करेंगे, 2, 5, 4, 5, कितना हो जाएगा 16। उसके बाद सबको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 19। ठीक है, ये आ गई हमारी संचयी बारंबारता। ये देखो, यहाँ पे ये होती है हमारी एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या है, इन सभी को हम ऐड करेंगे, ये क्या है 19। ठीक है, एन की वैल्यू हमारी आ गई 19। उसके बाद देखो क्या करना है हमको माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका का फॉर्मूला है, माध्यिका बराबर क्या है, एन प्लस वन अपॉन में 2वां पद। ठीक है, 2वां पद। तो देखो n की वैल्यू क्या है 19, 19 प्लस 1 अपॉन में 2वां पद कितना हो जाएगा, ये 19 और 1 हो जाएगा हमारे पास 20, 20 अपॉन में 2वां पद, ये काटेंगे कितना आया 10वां पद। ठीक है, कितना आया 10वां पद। अब देखो 10वां पद वह होगा जिसकी संचयी बारंबारता 11 है। ठीक है, ये देखो 10वां पद कौन सा है, 10वां पद यहाँ पे देखो हमारे पास ये कितनी कितनी संख्या आई है 10। अब हम यहाँ पे जाएंगे, जो संचयी बारंबारता है हमारे पास 10, हमारा किसके करीब आ रहा है सबसे, हमारा जो 10 है वो सबसे करीब किसके आ रहा है 11 के, तो 11 के करीब आ रहा है सबसे, तो 11 के करीब आ रहा है, तो हमारा पद 11 में पद कौन सा है। देखो ऐसे ऐसे निकालते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। तो संचयी बारंबारता 11 का पद कौन सा है 6। ठीक है, इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे, लिख देती हूँ 10वां पद। ठीक है, 10वां पद वह होगा जिसकी संचयी बारंबारता कितनी है 11 है। ठीक है, जिसकी संचयी बारंबारता 11 है, अतः माध्यिका 6 होगी। इस तरीके से हम लिख लेंगे, अतः माध्यिका 6 होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला है हमारे पास प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। तो देखो, जूतों की नाप के नंबर क्या है, 4, 5, 6, 7, 8 और शिक्षार्थियों की संख्या 6, 5, 8, 15, 6। माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में माध्यिका ज्ञात करनी है, किस तरीके से ज्ञात करेंगे हम देखो। तो देखो, सबसे पहले हम इस प्रश्न में क्या करेंगे, जूतों की नाप लिखी हमने, संचयी बारंबारता लिखा, उसके बाद हमें बारंबारता हमको निकालनी है। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे, वही जो मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था। सबसे पहले ये वाली संख्या लिखेंगे 6, उसके बाद 6 और 5 कितने होंगे 11, उसके बाद 6, 5 और 8 कितने होंगे 19, 6, 5, 8 और 15 कितने होंगे 34, और 6, 5, 8, 15 और 6 कितने हो जाएंगे 40। इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, n की वैल्यू क्या है, इन सभी को हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, सम, और तीसरे प्रश्न में क्या आई थी, विषम। विषम के लिए अलग फॉर्मूला है और सम के लिए अलग फॉर्मूला, तो ये क्या है हमारे पास सम। सम के लिए मैंने आपको दूसरे प्रश्न में फॉर्मूला बताया था, क्या था वो, देखो माध्यिका निकालने वाला क्या था, एन अपॉन वे 2 वे पद का मान, ठीक है, 2 वे पद का मान प्लस एन अपॉन 2 प्लस वन वे पद का मान। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो जाएगा अपॉन में 2, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 40, 40/2 वे पद का मान प्लस 40/2 प्लस 1, यहाँ पे देखो 1 वे पद का मान। ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा कितना 20 वा पद,
और ये कितना हो जाएगा, ये कट गए 20 और एक 21 हो जाएगा, 21वां पद। ठीक है, तो देखो 20वां पद क्या माना जाएगा? बीसवां पद और 21वां पद, देखो 20 किसके पास आएगा, 20वां पद और 21वां पद। देखो यहाँ पे जो बारंबारता हमने निकाली है उसमें देखो 20वां पद, 20 19 से ज्यादा है, मतलब कि छोटी संख्या नहीं लेनी है। ठीक है, छोटी छोटी संख्या नहीं लेनी है, भले ही जो हमारी यहाँ पे संख्या आती है, जो यहाँ पे संख्या आती है या तो उसके बराबर संख्या हो या फिर उससे बड़ी हो, लेकिन छोटी नहीं होनी चाहिए। तो देखो 20वां पद यहाँ पे क्या है, 19, 20 तो है नहीं डायरेक्ट, उसके बाद क्या है 34, तो हम कहाँ क्या लेंगे 34, इस 34 को इस तरीके से हम कर लेंगे। तो 34वें का मान क्या है, यहाँ पे कौन सा पद है, 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20वें पद के लिए 7, 21 के लिए भी 7 लिखा जाएगा, 7। ठीक है, और अपॉन में क्या है 2 है, इसकी भी अपॉन में 2, 7 और 7 कितने हुए 14, अपॉन में 2, आंसर क्या आया 7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर। इसी के साथ आपकी अभ्यास 15A कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, धन्यवाद।